जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्या देखेंगे क्या देखेंगे क्या देखेंगे कि दोस्तों आप सब समझते हैं कि YouTube से कैसे पैसे कमाते हैं। सिर्फ आपको वीडियो अपलोड करनी है और कौन से भी कंटेंट बनाना है और आप पैसे कमाएंगे लाखों। तो ये आज सब बताने वाला है दोस्तों कि YouTube से आप कैसे पैसे कमाते हैं, किस सब्सक्राइबर से पैसे कमाते हैं, वॉच टाइम से पैसे कमाते हैं, व्यूज से पैसे कमाते हैं, किस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको यूट्यूब पैसे देता है। क्यों आप फालतू की वीडियो भी डाल दे दोस्तों तो यूट्यूब पैसे देगा, ऐसी बात है। तो ये सब बात बताने वाला है कि दोस्तों कि YouTube कौन से प्लेटफॉर्म की वजह से आपको पैसे देता है, 1000 रुपए से लेकर लाखों रुपए से करोड़ों रुपए देता है। तो ये सब जानेंगे दोस्तों कि व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं, सब्सक्राइबर के कितने पैसे मिलते हैं और वॉच टाइम के कितने पैसे मिलते हैं। या और देखेंगे दोस्तों कि ये सब यूट्यूबर जो हाई टॉपर यूट्यूबर है उनको कितने पैसे मिलते होंगे दोस्तों हर एक, क्योंकि आपने देखा होगा उनके सब्सक्राइबर 6 मिलियन 12 मिलियन 13 मिलियन सब्सक्राइबर उनके, 1 घंटे में व्यूज आ जाते हैं दोस्तों 1 लाख 2 लाख व्यूज आ जाते हैं और वॉच टाइम तो उनका आसमान छू लेता है। तो ये सब देखेंगे दोस्तों कि उनको कितने पैसे मिलता है, कितना यूट्यूब उनको पैसे देता है और कैसे देता है। तो इस वीडियो को थोड़ा दोस्तों पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला कि उनको कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब की तरफ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, जो भी यूट्यूबर है कि आप समझते हैं दोस्तों कि कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, दोस्तों यूट्यूबर बनने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आपको पता नहीं दोस्तों जो उसने मेहनत की है, आप उसके स्टार्टिंग कोई भी यूट्यूबर टॉपर यूट्यूबर होगा तो उसके दोस्तों आप जो भी पुराने यूट्यूब की वीडियोस है वो देख सकते हैं दोस्तों उसके प्लेलिस्ट में जाके कि वो कैसे कितनी मेहनत किया होगा दोस्तों और किस लेवल पे पहुंचा दोस्तों। किसी किसी को दोस्तों 2 साल 3 साल या 4 साल लग जाते हैं दोस्तों कि उनको 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 14 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मिलियन या 6 मिलियन सब्सक्राइबर पाने के लिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब आपका मोनिटाइज होता है, उनका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होता है तो उनको पैसे कितने मिलते हैं, ये सवाल है आज इस चैनल पे। तो दोस्तों आप सबने ये कंफ्यूजन है कि दोस्तों कि कोई भी 1000 व्यूज आ जाते हैं तो $1 मिल जाता है, मतलब दोस्तों $1 मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 7-8 हजार रुपए। तो दोस्तों ऐसा होने लग गया तो हर जो भी यूट्यूबर है वो करोड़पति अंबानी के बाजू में बैठेगा, अरे भाई आज अंबानी भाई बाइक मेरे बाजू में, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें दोस्तों जिसमें एक स्टेट के वाइज सीपीसी रहता है दोस्तों, इंडिया में ये सीपीसी बहुत कम है दोस्तों। सीपीसी मतलब दोस्तों कि कौन से भी आपकी वीडियोस पे एड आती है उस एड के चार्जेस बहुत कम रहते हैं दोस्तों। बाय चांस दोस्तों दूसरी कंट्री रहती है जैसे यूएस, ओके, यूके, अमेरिका, दुबई, उनके दोस्तों सीपीसी बहुत हाई रहते हैं, लेकिन मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन उनके सीपीसी बहुत हाई रहते हैं इंडिया के हिसाब से दोस्तों। इंडिया में सीपीसी बहुत कम रहते दोस्तों, लगभग 2 या 3 हजार के हिसाब से रहते दोस्तों 1000 व्यूज के। अब बात आती है दोस्तों कि आपके वीडियोस कहाँ देखे गए, कौन से प्लेटफॉर्म में देखे गए और कौन से कंट्री में देखे गए, उस पर भी आपका डिपेंड करता है दोस्तों जो भी यूट्यूबर रहता है उनके व्यूज। आप सब समझते हैं दोस्तों कि किसी किसी के 6 मिलियन सब्सक्राइबर रहते दोस्तों और उसके व्यूज आ जाते 4 लाख व्यूज आ जाते महीने के, तो आप समझते होंगे ये कम यूट्यूब से बहुत पैसा छाप रहा है दोस्तों, वो कोई गिवे रख देता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ उनको मिल जाते 50 से 60 हजार ही रुपए मिलते दोस्तों महीने के, जिसके 1 या 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो सोच सकते दोस्तों जिसके सिर्फ 50 हजार सब्सक्राइबर, 60 हजार सब्सक्राइबर, उसको सिर्फ 12-13 हजार रुपए ही मिलते दोस्तों, 12-7-8 हजार रुपए मिलते दोस्तों यूट्यूब की तरफ से। अब यूट्यूब में पैसे कैसे देता है यूट्यूबर दोस्तों, यूट्यूब वाले पैसे कैसे देते हैं कोई भी यूट्यूबर को दोस्तों, सिंपल है कि आप कौन से भी वीडियो ऐप आपका मोनिटाइज हो गया आपका चैनल, अब तो नया रूल आ गया दोस्तों जिसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए तभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, तभी आपको यूट्यूब में ऐड दिखाए देंगे। तो उससे पहले जो भी ऐड दिखाए, जो भी आपने वीडियोस बनाए वो किसी काम के नहीं दोस्तों, सिर्फ आप अपने पब्लिक को बुला रहे, आपकी व्यूज बढ़ा रहे, आप अपने आपने वीडियो को बता रहे कि मेरा ये वीडियो है, मेरा ये चैनल है, उसको देखिए और इंटरेस्ट कीजिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि दोस्तों जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम नहीं होगा, तब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मोनेटाइज नहीं हुआ मतलब उस पर एड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब वाले सिर्फ आपको एड के पैसे देते। सिर्फ दोस्तों जो भी आप कंटेंट कुछ भी डालिए, कुछ भी फालतू का भी कंटेंट डालिए, लेकिन लोग देखने वाले चाहिए दोस्तों। लोग तो इतना समझदार है दोस्तों कि आपके जो भी फालतू के कंटेंट डालेंगे वो तो देखेंगे नहीं दोस्तों, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग व्यूज देखेंगे, तभी उस YouTube चैनल जो भी वीडियो उसमें एड दिखाई जाती है दोस्तों। ऐसे फालतू के कौन से भी दोस्तों आप देख सकते हैं, आप कौन सा भी वीडियो डाल दीजिए, आपके 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाए या वो 4000 वॉच टाइम भी हो जाए या 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाए, लेकिन उस वीडियो में दोस्तों कि ज्यादा व्यूज नहीं आए, तब तक उस वीडियो में एड नहीं दिखाई देती दोस्तों। एड नहीं दिखाई देगा तो आपकी कमाई नहीं होगी। तो मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया में जो वीडियो देखा गया उसके सीपीसी के थ्रू आपको कम रेट में पैसे मिलते हैं और व्यूज की तरफ से, और यूके अमेरिका में देखा गया तो उसका सीपीसी बहुत हाई रहता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों उसमें $1 मतलब 1000 व्यूज आ गए अदर कंट्री मतलब अमेरिका यूके, तो उसके हिसाब से सीपीसी रहेगा दोस्तों आपका हाई रेट में, मतलब एक हजार व्यूज में आपको मिल जाएंगे दोस्तों 20-30 हजार रुपए मिल जाएंगे। वही सीपीसी इंडिया में रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया के लोग आपके चैनल को देखते, आपके वीडियो को देखते, उसमें एड दिखाई गए तो सीपीसी इंडिया में बहुत कम है। जैसे कि 1000 व्यूज में आपको सिर्फ 5 या 6 हजार रुपए ही मिलेंगे दोस्तों एक वीडियो के, मतलब 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1000 व्यूज या 2-7 हजार या 8 हजार व्यूज रहे तो तभी आपको 8000 रुपए मिलेंगे दोस्तों उसके हिसाब से, क्योंकि सीपीसी एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सीपीसी एक करके रूल है, जैसे कि कौन से भी कंट्री में कौन सा वीडियो दिखाया गया उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते। अब बात आती है दोस्तों सब्सक्राइबर, किसी के भी सब्सक्राइबर ज्यादा हो उसका फायदा है या नहीं दोस्तों? सब्सक्राइबर किसी काम का नहीं दोस्तों, ये सब्सक्राइबर का एक फायदा है कि आप कौन सा भी वीडियो अपलोड किए तो उसके फोन में नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाती है दोस्तों, कि आप बाय चांस उसमें नोटिफिकेशन नहीं आती तो आपका नोटिफिकेशन स्लाइड करते तब उसको शो करता है, लेकिन उसने सब्सक्राइब करके रखा है तो अपने आप दिखते हैं सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर के पैसे आपको फालतू के 1 रुपया भी आपको सब्सक्राइबर का यूट्यूब वाले पैसे नहीं देते दोस्तों। क्यों? सब्सक्राइबर दोस्तों फुकट है, फुकट बोले तो फुकट है, आपको सिर्फ व्यूज और एड के पैसे मिलते हैं दोस्तों, वॉच टाइम के भी पैसे नहीं मिलते आपको। वॉच टाइम तो दोस्तों 4000 वॉच टाइम ये सिंपल सा एक लेवल है दोस्तों, उस लेवल को आपको पार करना पड़ता है। जैसे कि आप दोस्तों कॉलेज में कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं, आप टॉप हो जाते हैं तो ये क्वालिफिकेशन आपको काम आती है दोस्तों, कौन से भी इंटरव्यू में जाके सिलेक्शन मतलब उस गेट के अंदर जा सकते हैं। जिसके कम मार्क्स वो नहीं जा सकता, जिसके टॉप में वही उस ऑफिस में जा सकता है, इंटरव्यू दे सकता है दोस्तों उस ऑफिस में जाके। वैसे दोस्तों यूट्यूब में है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम हुआ तभी आपको मनी मिलना शुरू होएगा दोस्तों और आपका चैनल मोनेटाइज हो। सब्सक्राइबर के 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलता दोस्तों, आप किसी के भी 17 मिलियन सब्सक्राइबर भी है उसके पैसे नहीं मिलते। बस उसका एक फायदा है दोस्तों कि वो 17 मिलियन लोगों के पास आपका एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है दोस्तों, उस नोटिफिकेशन से कितने लोग देख लेते वो एक बेनिफिट से दोस्तों, कि आप कभी फोन में अलार्म नहीं लगाएंगे दोस्तों तब तक आप उठोगे नहीं। वैसे दोस्तों यूट्यूब वाले और सब्सक्राइबर के हिसाब से मतलब एक तरफ से आप समझ ले दोस्तों, इन 17 मिलियन लोगों ने एक अलार्म लगा के रखा है अपना टाइमर, कि आप कभी भी वीडियो डालोगे तो वो अलार्म उनके फोन में बजेगा और उनको पता लगेगा इस टाइम पे आपका वीडियो है, मतलब उस टाइम पे उनका अलार्म बजा, उस टाइम पे आपको उनको उठना है, वैसे आपका चैनल का वीडियो देखना है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कोई भी यूट्यूबर वाले को चाहिए DSLR कैमरा बनाने के लिए वीडियो हाई क्वालिफिकेशन के, ऐसे कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आपका सिंपल सा एक एंड्रॉइड का फोन भी है, नोकिया का फोन है एंड्रॉइड का, सिर्फ कैमरा अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अभी जो भी एंड्रॉइड के फोन है उनकी कैमरा अच्छा है दोस्तों, मैं खुद ही एक एंड्रॉइड फोन से वीडियो बनाता दोस्तों, कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। आपको कोई जरूरत नहीं दोस्तों DSLR कैमरे की, एक माइक की दोस्तों, मैं सिर्फ एक माइक यूज करता दोस्तों, ये माइक है दोस्तों सिर्फ सैमसंग का सस्ता माइक, इससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता और आप तक पहुंचाता दोस्तों। आप भी कोई जरूरत नहीं दोस्तों आपको खरीदने के, अलग से आप फैमिली के साथ झगड़ा करके मुझे यूट्यूब में चैनल बनाना है और मुझे DSLR कैमरा ही चाहिए, हाई क्वालिफिकेशन का आईफोन ही चाहिए, वन प्लस ही चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट का फोन चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आपका सिंपल सा कौन सा भी एंड्रॉइड का फोन है तब खरीद ले। जैसे आपकी यूट्यूब की ग्रोथ होने लग गई दोस्तों तो इस हिसाब से आप अपना
खुद ही इनकम से DSLR कैमरा खरीद सकते हैं और अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्वालिटी की क्या जरूरत है दोस्तों, आपका कंटेंट अच्छा हो, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो और आपके बोलने का अंदाज ही सबसे अलग हुआ दोस्तों, कि लोग अपने आप खींचे आएंगे दोस्तों, चुंबक की जैसे खींचे आएंगे। उसकी जरूरत नहीं दोस्तों कि आपके पास DSLR कैमरा ही चाहिए, हेडफोन ही चाहिए, माइक चाहिए, ब्लूटूथ ही चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं दोस्तों। सिर्फ हेडफोन हो, ब्लूटूथ हो और एक कैमरा हो, एक मोबाइल स्टैंड भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप कौन सा भी अपना सपोर्ट रख सकते और रिकॉर्ड कर सकते, ऐसे करके आप अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते। तो आइए अब दोस्तों आपको समझाऊंगा कि यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं। सिर्फ उनको दोस्तों 1,000 व्यूज पे 7,000 रुपए, 7 या 8 हजार रुपए तक ही मिलते हैं दोस्तों उनको। ज्यादा यूट्यूबर वाले पैसे छापते नहीं, उनके डिपेंड है दोस्तों कि कितने व्यूज आए और कितने एड आए दोस्तों। ज्यादा व्यूज आएंगे उस वीडियो पे तो उस हिसाब से यूट्यूब वाले उस चैनल पे एड दिखाएंगे दोस्तों। एड नहीं दिखाई, अब बाई चांस दोस्तों आपने एक वीडियो डाल दिया, आपके 17 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसमें एड ही नहीं दिखाई दोस्तों, तो आपको उस वीडियो के 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1 अठन्नी नहीं मिलेगी। क्या अठन्नी नहीं मिलेगी दोस्तों, अठन्नी। तो दोस्तों आपको समझाऊंगा कि यूट्यूब वाले कितने पैसे कमाते हैं, यूट्यूब वाले यूट्यूबर्स है जो कितने पैसे ग्रोथ होता है उनका, वो कैसे उनकी इनकम होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपका समझाऊंगा कि मैंने कैसे आपको बताया कि यूट्यूबर वाले कितने पैसे कमाते महीने का और किस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, कि 1,000 व्यूज में उनको $1 नहीं मिलता दोस्तों, $1 से भी बहुत कम मिलता है। $1 मिलने लग गया दोस्तों कि बस अंबानी के बाजू में हम ही है दोस्तों, समझ लेना दोस्तों, हम ही है, हम ही है, अंबानी के बाजू में हम ही है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हमको उससे कम मिलता, CPC बहुत कम है दोस्तों इंडिया में। और दोस्तों मेन कि आपके चैनल के टॉपिक क्या है, टॉपिक के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं दोस्तों। कि आपका चैनल फूड का हो तो फूड का CPC अलग रहता है, टेक का चैनल का अलग रहता है, एंटरटेनमेंट का, फनी वीडियोस का अलग चैनल रहता है। और एक बात मेन है दोस्तों कि आपका कंटेंट रियलिटी में आपका होना चाहिए दोस्तों, कि आप कहीं पढ़ के बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपका कंटेंट खुद का होना चाहिए। पता लगा दोस्तों आपने फोटो स्क्रीन रिकॉर्डर लिया, वीडियो चल रहा TV पे, उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई मूवी डाउनलोड कर दी वही अपलोड कर दी, या कोई TV सीरीज का गाना ले लिया और वो अपलोड कर दिया, वैसे नहीं चलता दोस्तों यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब स्ट्राइक लगा देता है दोस्तों और उस चैनल को परमानेंटली बंद कर देता है। तो आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आपकी खुद का फेस होना चाहिए, जिस्म होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, थोबड़ा होना चाहिए, गला होना चाहिए और आंखें तो अपनी खुद की चाहिए दोस्तों। ये सब खुद का होना चाहिए, खुद की एनर्जी होनी चाहिए, खुद का कंटेंट होना चाहिए। हाँ दोस्तों आप दूसरे का कंटेंट देख के पढ़ के बना सकते हैं, आपको आपको बोलने का अंदाज थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा और लोगों को खींचना पड़ेगा अपनी तरफ, बोले तो खींचना पड़ेगा, खींच 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 ऐसे खींचना पड़ेगा दोस्तों। तो आए अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझाऊंगा कि यूट्यूब वाले कितना पैसे छापते हैं, यूट्यूबर वाले कितना पैसे कमाते और कैसे कमाते, सिर्फ एड के थ्रू कमाते। तो इस चैनल को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास की सफाई रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वलेना ढलेना सब्जी बलेना उस पर फॉलो कीजिए। जय हिंद दोस्तों।